आखिर जब हुआ भगवान बुद्ध का उनकी पत्नी से सामना, तब मानो पूरा संसार ठहर सा गया हो। उस समाज को सुनने के लिए भगवान बुद्ध राहुल और यशोधरा, गौतम बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद घर वापस लौटे। 12 साल बाद वापस लौटे। जिस दिन घर छोड़ा था उनका बच्चा, उनका बेटा एक ही दिन का था, राहुल एक ही दिन का था। जब आए तो वह 12 वर्ष का हो चुका था और बुद्ध की पत्नी यशोधरा बहुत नाराज थी। स्वभावतः और उसके एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उसने पूछा कि मैं इतना जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हें मेरा इतना भी भरोसा न था कि मुझसे कह देते कि मैं जा रहा हूँ? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें रोक लेती? मैं भी क्षत्रिय हूँ। अगर हम युद्ध के मैदान पर टीका और तिलक लगाकर तुम्हें भेज सकते हैं तो सत्य की खोज पर नहीं भेज सकते। तुमने मेरा अपमान किया है, पूरा अपमान किया है, जाकर किया अपमान। ऐसा नहीं तुमने पूछा क्यों नहीं तुम कह तो देते कि मैं जा रहा हूँ, एक मौका तो मुझे देते, देख तो लेते कि मैं रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, रुकावट डालती हूँ। कहते हैं कि बुद्ध से बहुत लोगों ने बहुत तरह के प्रश्न पूछे होंगे, मगर जिंदगी में एक मौका था जब वे चुप रह गए, जवाब न दे पाए। और यशोधरा ने एक के बाद एक तीर चलाए और यशोधरा ने कहा कि मैं तुमसे दूसरी यह बात पूछती हूँ कि जो तुमने जंगल में जाकर पाया, क्या तुम छाती पर हाथ रखकर कह सकते हो कि वह यही नहीं मिल सकता था? यह भी भगवान बुद्ध कैसे कहें कि यही नहीं मिल सकता था, क्योंकि सत्य तो सभी जगह है और भ्रमवश कोई अनजान कह दे तो कोई बात मानी जाए। अब तो उन्होंने खुद सत्य को जान लिया है कि वह जंगल में मिल सकता है तो क्या बाजार में नहीं मिल सकता? पहले बाजार में थे तब तो लगता था सत्य तो यहाँ नहीं है, वह तो जंगल में ही है, वह तो संसार के छोड़ देने पर ही मिल सकता है। पर सत्य के मिल जाने के बाद तो फिर उसी संसार और बाजार में आना पड़ा, तब जाना यहाँ भी जाना जा सकता था। सत्य का नाहक भागे पर यहाँ थोड़ा कठिन जरूर है, पर ऐसा कैसे कह दे कि यहाँ नहीं है, वह तो सब जगह है। भगवान बुद्ध के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था, उन्होंने आंखें झुका ली। और तीसरा प्रश्न जो यशोधा ने चोट की, शायद यशोधरा समझ न सकी कि बुद्ध पुरुष का यूं चुप रह जाना अति खतरनाक है, उस पर बार बार चोट कर अपने आप को झंझट में डालने जैसा है। बुद्ध के पास क्या होता है ध्यान, ध्यान और संन्यास, सो इस आखिरी चोट में यशोधा उलझ गई। तीसरी बात उसने कही, राहुल को सामने किया और कहा कि ये तेरे पिता हैं, ये देख ये जो भिखारी की तरह खड़ा है हाथ में भिक्षा पात्र लिए, यही है तेरे पिता, ये तुझे पैदा होने के दिन छोड़कर कायरों की तरह भाग गए थे, अंधेरे में अपना मुंह छुपाए जब तू मात्र एक दिन का था, अभी पैदा हुआ नवजात, अब ये लौटे हैं तेरे पिता, देख ले इन्हीं जी भर कर, शायद फिर आए या ना आए, तुझे मिले या न मिले, इनसे तू अपनी वसीयत मांग ले, तेरे लिए क्या है इनके पास देने के लिए वह मांग ले। यह बड़ी गहरी चोट थी, बुद्ध के पास देने को था ही क्या, यशोधरा प्रतिशोध ले रही थी। 12 वर्षों का उसके हृदय के घाव जो नासूर बन गए थे बह रहा था, पीड़ा और संताप का मवाद नहीं सूखा था वो जख्म जो बुद्ध उस रात देकर चले गए थे। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये घटना कोई नया मोड़ ले लेगी, वह तो भाव में बही जा रही थी, बात को इतने आगे तक खींच लिया था, अब उसका तनाव उसकी तरह वापस लौटे, इस तरह की उसका ध्यान गया ही नहीं। भगवान जो इतनी देर से शांत बैठे थे उनके चेहरे पर मंद हंसी आई, यशोधरा का क्रोध और भभक उठा। उस इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा था, वह बंद रही है मकड़ी की तरह अपने ही ताने बाने में। भगवान ने अपना भिक्षा पात्र सामने खड़े राहुल के हाथ में दे दिया। यशोधरा कुछ कहे या कुछ बोले यह इतनी जल्दी हो गया कि उसकी कुछ समझ में नहीं आया, इसके विषय में तो उसने सोचा भी नहीं था। भगवान ने कहा, बेटा मेरे पास देने को कुछ और है ही नहीं, लेकिन जो मैंने पाया है वह तुझे दूंगा। जिस सर्व सब के लिए मैंने घर बार छोड़ा, तुझे तेरी माँ और इस राजपाट को छोड़ दिया,
आज मुझे वो मिल गया है, मैं खुद चाहूँगा वही मेरे प्रिय पुत्र को भी मिले। बाकी जो दिया जा सकता है क्षत्रिय है, देने से पहले ही हाथ से फिसल जाता है। बाकी रंग भी कोई रंग है, संध्या के आसमान की तरह जो पल पल बदलते रहते हैं। मैं तो तुझे ऐसे रंग में रंग देना चाहता हूँ जो कभी नहीं छूट सकता। तू संन्यास हो जा, 12 वर्ष के बेटे को संन्यास कर दिया है। यशोधरा की आंखों से झर झर आंसू गिरने लगे। उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? पर बुद्ध ने कहा, जो मेरी संपदा है वही तो दे सकता हूँ। समाधि मेरी संपदा है और बांटने का ढंग संन्यास है। और यशोधरा, जो बीत गई बात उसे विसार दे। आया ही इसीलिए हूँ कि तुझे भी ले जाऊँ। अब राहुल तो गया, तू भी चल। जिस संपदा का मैं मालिक हूँ उसकी तू भी मालकिन हो जाए। और सच में ही यशोधरा ने सिद्ध कर दिया कि वह क्षत्रिय थी। तत्क्षण पैरों में झुक गई और उसने कहा, मुझे भी दीक्षा दे। और दीक्षा लेकर भिक्षुओं में सन्यासियों में यूं खो गई कि फिर उसका कोई उल्लेख नहीं है। पूरे तत्पर में कोई उल्लेख नहीं आता। हजारों सन्यासियों की भीड़ में अपने को यूं मिटा दिया जैसे वो है ही नहीं। लोग उसके त्याग को नहीं समझ सकते। अपने मान सम्मान अहंकार को यूं मिटा दिया कि सन्यासी भूल ही गए कि ये वही यशोधरा है, भगवान बुद्ध की पत्नी। बहुत कठिन तपस्या थी यशोधरा की, पर वो उस पर खरी उतरी। उसकी अस्मिता यूं खो गई जैसे कपूर। बौद्ध शास्त्रों में इस घटना के बाद उसका कोई उल्लेख नहीं आता। कैसे जी, कैसे मरी, कब तक जी, कब मरी, किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, राहुल का जरूर जिक्र आता है। बौद्ध शास्त्र ग्रंथों में यही आता है कि कठिन था जीवन, रोज रोज भिक्षा मांग कर खानी होती थी। और तब आप अति विशेष हो तो अपनी अपनी अति विशेषता को छोड़कर अति कठिन है। यशोधरा और राहुल ने छोड़ा उस सन्यासियों की भीड़ में, ऐसे गुम हो गए, यूं लीन हो गए, यूं डूब गए। इसको कहते हैं ज्ञान की आने के पद पद चाप भी। आप न देख सके कोई ध्वनि भी, न हुई कोई छाया तक, नहीं बनी तभी कोई अपने घर आ सकता है। बेट बाजा बजा कर केवल आने का भ्रम पैदा करते हैं।